you oh. आप सबका मोस्ट वेलकम जी आन टप विद वित सोनम तो आप सभी को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरा शो को और जैसे कि हमने कहा था कि आपको हम हर संडे में यहाँ पे कलाकार लेके आएंगे और आपको मिलवाएंगे तो उसी चलते हमारे हमारे साथ है आज बहुत वर्सटाइल एंड टैलेंटेड यंग मैन तो चलिए सीधा से मिलते हैं तो सबसे पहले तो वेलकम जी आन शो थैंक यू तो हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे रहते हो मेरा नाम है आनंद चिंते और हम अभी फ़िलहाल दोकुम कॉलोनी नियर हेलीपेट नाहर पे रह रहे हैं तो आनंद हम जानना चाहेंगे आप एग्जैक्टली exactly क्या करते हो आप डांसर हो आप कोरियोग्राफर हो मतलब क्या करते हो आप एग्जैक्टली एक्चुअली आई एम ए कोरियोग्राफर डांसर परफॉर्मर टीचर एंड इंस्ट्रक्टर ऑफ लाइफ स्टाइल हेल्थ फिटनेस एंड डांस सेंटर मेरा एक फिटनेस सेंटर है नाहर पे पर so सो वही हम इंस्ट्रक्ट भी करता है हम प्रिज भी करता है और टीचिंग भी करता है और ऐसा फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी है सो वो सब ही मेरा मतलब फिलहाल हम कर रहा है वाह आनंद आप इतने इतने यंग एज में इतना सारा कुछ कर रहे हो मतलब आप डांस करने कब से स्टार्ट किया है कौन सा एज में आपने स्टार्ट किया डांस करने आ, एज का तो पता नहीं पर हम जब क्लास सेवन था हम तभी से हम स्टार्ट किया क्लास सेवन दैन एट वहाँ से कंटिन्यूसली करते रहा और क्लास टेन से ही टेन के बाद से ही हम प्रोफेशनली टोटली हम डांस में घुस गया तब तो जाके ही हम मतलब उसके बाद मतलब प्रोफेशनली वहीं घुस गया हम तो आनंद अब हम यही भी जानना चाहेंगे कि इंस्पायर कैसे हुआ आपको ये डांस में आने का मेरा इंस्पिरेशन ना कोई बॉलीवुड का को एक्टर है ना कोई साउथ इंडियन का एक्टर है मेरा इंस्पिरेशन मेरा भैया है उसका नाम है पापासी चिंते है। पता नहीं क्यों वो उसी का मतलब अपना इंस्पिरेशन मानता है क्योंकि वो ऐसा था वो जैसे फुटबॉल खेला हम भी फुटबॉल खेलने लग गया वो क्रिकेट खेला हम भी क्रिकेट खेलने लग गया वो बास्केटबॉल खेला हम भी बास्केटबॉल खेलने लग गया फिर वो वॉलीबॉल खेला हम भी वॉलीबॉल खेलने लग गया फिर वो फिर वो घुस गया स्काउट्स एंड गाइड में घुस गया स्काउट एंड गाइड तो हम भी स्काउट एंड गाइड में घुस गया तो ऐसा हो कि हम राज्य पुरस्कार भी हमको मिल चुका है स्काउट एंड गाइड में देन वो फिर डांसिंग में घुसा तो उसका पीछे पीछे फॉलो करते हैं हम भी डांसिंग में घुस गया लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ हमको डांस से मिला है तब जाके हम डांस में फंस गया तो इसलिए हम मानते हैं कि मेरा इंस्पिरेशन मेरा भैया है पापा सी चिंतें आनंद हमने हम हमें सुनने को ये भी आया है कि आप बाहर में भी अरुणाचल को काफ़ी रिप्रेजेंट कर चुके हैं इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए आनंद ठीक है सबसे पहले तो हम लोग दिल्ली जो बोलता है के पॉप कॉरियन कॉरन पॉप कॉरियन पॉप बोलते हैं उसका हम लोग टू में दिल्ली में ये कंपटीशन बैठाया गया था तो जिसमें मतलब हम लोग को खबर मिला कि वहाँ कुछ कंपटीशन हो रहा है सो हम अपना एक्चुअली ट्वेल्व पास किया हमने ट्वेल्व पास करके बस कॉलेज ज्वाइन किया था एंड देन फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम दे मतलब दे ही रहा था तो देने के बाद सीधा हम लोग दिल्ली चला गया हम लोग पाँच लड़का था तो पांच लड़का का नाम कम बताएगा आपको सागर राय बोलकर था तकम नेकुम और दादर तजी और अभिजीत नंदी और इंक्लूडिंग मी ना आनंद चिंते तो हम पांच लोग गए था एंड देन वहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग फर्स्ट रनर अप आया तो वहाँ दिल्ली फर्स्ट मिला एंड हम लोग फर्स्ट रनर अप एंड सेकेंड एंड थर्ड चेन्नई को मिला तो होप नहीं गया था पर मिला और उसके बाद फिर हम लोग ने गया मुंबई नेक्स्ट दूसरा कंपटीशन होता है जिसका नाम है इंडियन हिप हॉप डांस क्रू चैंपियनशिप वो अंडरग्राउंड एक डांस चैंपियनशिप है बहुत बड़ा कंपटीशन है जिसमें हम लोग फाइनल तक पहुँचा है एंड जिसमें हम लोग जीरो पॉइंट थ्री मार्क्स से बस हार गया जीरो पॉइंट थ्री मार्क्स से एंड दिन हम लोग का इंक्लूड हम लोग का लड़का में से ही एक लड़का जिसका नाम है अभिजीत नंदी उसने गोल्ड मेडल लाया एंड उसने किसको रिप्रेजेंट किया अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया सो so, उसका नाम है अभिजीत नंदी तो अब <laughs> और दूसरा एंड फाइनली हम लोग का सबसे बड़ा अचीवमेंट था हम लोग का इंडियाज गॉट टैलेंट जिसमें हम लोग अपना कल्चर अपना ड्रेस को दिखाया टी वी शो पर इंडियाज गॉट टैलेंट एंड वहाँ हम लोग पहुँचा क्वार्टर फाइनल तक पहुँचा बम्बू डांस को लेकर गए था हम लोग नॉट ओनली बम्बू डांस हम लोग उसमें उसमें अलग अलग टाइप का डांस किया थोड़ा हिप हॉप मिक्स किया थोड़ा युद्ध थोड़ा थो फाइट और थोड़ा लोकिंग सब ना ऐसा मिक्स करते हुए किया है जिसका वजह से बहुत पसंद किया जब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग टेलीकास्ट नहीं हो पाया अगर आप जानना चाहते हैं तो टेलीकास्ट क्यों नहीं हो पाया आपको बता सकते हैं आपका अभी है नहीं ये तो हम जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल मतलब तो नेशनल लेवल का हो जाता है तो आनंद अब इतना सारा कुछ आता है आपको तो आप बता पाएंगे कि आपका आपको डांस कितने फॉर्म आते हैं मतलब तो, कौन सा कौन सा डांस फॉर्म आपको आता है तो एक्चुअली हम हिप हॉप यस हिप हॉप से सात करेगा हमने हिप हॉप जो डांस फॉर्म है दो साल सीखा हमने उसका डिप्लोमा हमने कंप्लीट किया फिर हमने भरतनाट्यम भी सीखा फिर हमने कथक सीखा उसके बाद फिर हमने सीखा ओडिसी डांस कुछपुरी बोलता ओडिसी का कुछपुरी डांस सीखा आई कॉलेज गुवाहाटी में एंड देन फिर हमने मुंबई में भी मुंबई में हम जब रहा था वहाँ वहाँ हमने एरोबिक एंड योगा एंड जुम्बा ये सब सीखा तो जिसका वजह से हम बहुत वर्सेटाइल हो गया और मेरा ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलरली एक एक फॉर्म को हम सीखा हम हर एक फॉर्म को हम कैच कर सकते हैं और हम कर सकता है बस हमको बेसिक को जाना है हाँ बेसिक इस तरह से बस दो तीन बार देखने से समझ आता है और हम सीधा कर सकता है मतलब तो हर लड़की डांस हो या लड़का डांस हो औरत डांस हो मतलब कोई भी डांस हो आप कोई कंटेम बोल सकता है आप लॉकिंग पॉपिंग बोल सकता है आप और आपका सालसा बोल सकता है आप उसके बाद आप बचाता बोल सकता है और कपल डांस आप कुछ भी यानी कुछ वाह हम ये जाना चाहेंगे कि देखो ये जो डांस करियर होता है और हमारे अरुणाचल में ट्राइबल सोसाइटी है पेरेंट्स इतना सपोर्ट नहीं करता है डांस को लेकर मतलब कुछ भी चीज़ को लेकर इतना सपोर्ट नहीं करते है वो लोग वही मेन ये चीज़ रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और ऑफिसर बने करियर वहाँ पर बनाए मतलब आपको किस तरीके से जब आप यहाँ पर डांस करियर चूज़ किया था आपको किस तरीके से पेरेंट्स से सपोर्ट मिला Okay, सबसे पहले तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है तो वैसे ही मेरा अपना पर्सपेक्टिव था और हम छोटा सा हम कॉन्फिडेंट था टोटली totally कॉन्फिडेंट था कि हम जो भी करेगा हम परफेक्टली करेगा एंड वहाँ तक पहुँच के दिखेगा ये मेरा तर्व था तो हम बस मेरा आ, सबसे बस मैं थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताना चाहेगा मेरा पापा जिसका नाम है ओकेश्वर चिन्ह थे एंड मेरा माँ जिसका नाम है प्रेमा बोती चिन्ह थे तो मेरा माँ विविंग करता है एंड मेरा पापा कुकमैन है आपका ये डी कॉलेज में ही पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हॉस्टल का कुक मैंने सो छोटा so, से मम्मी ही हमको पढ़ाया मम्मी नाइन्थ पास किया है और पापा सिक्स पास तो मम्मी ही हमको पढ़ाया एंड देन इतना मम्मी पढ़ाता है और स्ट्रिक करता है मेरा पापा था तो जिसका वजह से हम बहुत जल्दी मतलब ना uh, क्या बोलता है उसको uh, फर्निश होते होते गया होते ही गया होते गया पापा पापा ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मम्मी भी बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट किया एंड देन भैया थोड़ा सपोर्ट नहीं करता था लेकिन वो दिन भैया सपोर्ट किया जिस दिन हम घर का नाम रोशन किया वो दिन वो दिन मतलब जिस टाइम कुछ कंपटीशन था जिसमें हम पापा को बुलाया, मम्मी को बुलाया, भैया को थोड़ा बुला कर स्टेज में लाया तब जाके वो लोग प्राउड फील किया है हम लोग ने एक मेरा एक मैडम है उसका नाम है मिसेस लंगबिया रिमा जो आपका लंगब्या चंदा होगा आप जानता होगा जो रिप्रेजेंट कहता था आपका इंडियस गो टैलेंट और सेमीफाइनलिस्ट है उसी का माँ का नाम है लंगबिहारी माँ तो वो मैडम और हम बिजनेस पार्टनर हैं अब क्या बिज़नेस पार्टनर बोलने से हम लोग का यहाँ में क्या होता है नॉट नॉट हंड्रेड परसेंट बस सिक्सटी परसेंट या सेवेंटी परसेंट पति लोग अपना पत्नी को सपोर्ट करता है थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट लोग फिर अपना पत्नी को सपोर्ट नहीं करता है तो ऐसा कुछ चल रहा है जिसका वजह से इस चीज़ को सोचते हुए हम और मैडम मैडम सोचा कि चलो कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट करें जिसका वजह से वो अपना घर का भी काम कर सके, खुद का टैलेंट को भी एक्सप्लोर कर सके एंड फ्रस्ट्रेशन से दूर रहे और थोड़ा कुछ कैलरीज घटा भी सके जिसका वजह से हम लोग ने खोला माँ प्रोडक्शन स्टूडियो माँ प्रोडक्शन स्टूडियो आपका जोलांग में पड़ता है एंड ये स्टूडियो में क्या करते हैं हम लोग जो मेरिड वोमे है उस लोगों के लिए हम लोग म्यूजिक वीडियो एल्बम बनाता है अब आनंद आप काफ़ी यंग हो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ये प्रोफेशन में कब से अर्न करने स्टार्ट किया या आप अभी तक तो डिपेंडेंट हो आपने पेरेंट्स के ऊपर क्लास टेन क्लास टेन हम पास कर चुका था और क्लास टेन के क्लास टेन में ही अपना हिप हिपॉप का डिप्लोमा कम्प्लीट कर चुका था तो मेरा फर्स्ट जॉब वही था आपका आ, इलीजर इंग्लिश स्कूल जो पुलिस स्टेशन के ऊपर पड़ता है ना इलीजर इंग्लिश स्कूल तो वहीं में हम जॉब करता था तो मेरा मंथली सैलरी था सिक्स थाउजेंड तो हमको हफ्ता में दो दिन सिखाना सिखाना होता था सैटरडे एंड संडे बस एक घंटा एक घंटा सिखाता था वही मेरा फर्स्ट काम और फर्स्ट जॉब था तो आधन, हमने ये भी सुना था कि आप कुछ बच्चे को अपने घर अपने साथ रख रहे हैं मतलब वो आपको मैंटोर uh, मानते हैं मैं तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर रही है नहीं मेरा साथ में अभी टोटल छः सात लड़का है और मेरा इंक्लूडिंग माय सिस्टर ना मेरा बहन नाकू चिंते नाम है उसका पढ़ाई लिखाई खाना पीना एवरीथिंग हम सब कुछ करेंगे आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ आना है डांस खुद से सिप, सीखते रहो जब बाहर जाएगा फिर हम फिर साथ देगा तो ऐसे ही कुछ कुछ मेरा लड़का लोग बहुत सारा है जिसको अलग 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 काम में हम इंगेज करके रखा हुआ है भले हमको कुछ ना मिलो लेकिन कल को जाके शायद वो हमको मेरा नाम को तो याद रखेगा या हमको याद रखेगा क्योंकि आप वीडियो भी बनाते हो आप डायरेक्ट भी करते हो मतलब अभी तक टोटल कितना एल्बम बना चुके हो आप हाँ तो मेरा फर्स्ट फर्स्ट एल्बम था आपका जूरी कोनिंग तेरे लिए जिसमें कृष्णा बमंग शायद जंदा होगा वो, हो वो एक्ट्रेस था और मेरा वो फर्स्ट एल्बम था जिसमें हम सिर्फ कोरियोग्राफी क्या था डांस कोरियोग्राफी और मेरा सेकेंड एल्बम था आपका आप लोग देखा होगा ऐसा क्यों मूवी जिसमें घू के तदे एक्टर है उसमें जो एक डांस है uh, गा, गाना का नाम तो एक्जैक्टली भूल गया पर उसमें हमने कोरियोग्राफी किया बस डांसिंग दा, एंड एक्टिंग यस डांसिंग एंड एक्टिंग हमने uh, एक्टिंग को डायरेक्ट किया एंड डांसिंग को हमने कोरियोग्राफी किया और तीसरा एल्बम मेरा हाथ है आपका जिकम प्रोडक्शन आप लोग साइड से जानता हो जगाम प्रोडक्शन वहाँ में हमने आ, ये किया आपने कोरियोग्राफी किया हमने जिसका गाना का नाम है दुमपिर लेगिर हाँ गाना का नाम है धुमपिर लेगिर और मेरा फिर फोर्ट एक दो तीन जैस फोर्ट है मेरा सीधा आपका माह प्रोडक्शन स्टूडियो जैसा हम बोला आपको उस, उस वैसे ही हमने आपका पंछी बनो उड़ती फिरू ये मेरा फर्स्ट मतलब मेरी डोमेन लोग में है फर्स्ट ये मेरा काम था पंछी बनो उड़ती फिरू एंड देन सेकेंड था मेरा आपका पंख होते तो उड़ आती रहे सेकेंड वन एंड थर्ड था मेरा इंडस दीवाना जिसको हम लोग ने प्रमोट किया था मैंने आपको कहा कि अरुणाचल में ऐसा एक स्टेट है और जो आर्टिस्ट है डांसिंग जो सिंगिंग इतना सपोर्ट नहीं करता है और वहाँ पे यहाँ पे इतना सारा यंग जनरेशन है जो कि ये फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहली बात तो सपोर्ट तो एक्चुअली हमको मेरा पेरेंट्स भी शुरू शुरू में नहीं कहता लेकिन हम उस लोग को भरोसा दिलाया है और हम जो चीज़ सोचा उसको हम करके दिखाया तब जाके सपोर्ट मिला तो सपोर्ट आपको तभी मिलेगा आप अगर कॉन्फिडेंट है आप टोटली totally ट्रूथफुल है वो चीज़ में टोटली totally लॉयल है टोटली totally आपको आप इन टू उसमें है तब जाके सपोर्ट हर कोई करेगा लेकिन आप ना इधर है ना उधर है तो आप समझ जाओगे सपोर्ट आपको कभी नहीं मिलेगा तो इसलिए अगर आप सपोर्ट चाहिए तो आप मेहनत करो हर कोई सपोर्ट करेगा हर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है पढ़ाई लिखाई नहीं करके हर कोई बहुत अच्छा डांस कर सकता है आप प्रोफेशन मतलब डांसिंग में प्रोफेशन बन जाता है सिंगिंग में होता है पेंटिंग में हर अलग अलग हो जाता है लेकिन पढ़ाई से दूर हो जाता है लेकिन हम लोगों का यहाँ स्टेट अरुणाचल में हमको नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा वैकेंट है सिंगर्स लोग के लिए सिंगर्स लोग क्या होता है स्टेज में थोड़ा गा 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 वो लेता है या कुछ शो ऑर्गेनाइज़ करता है वहाँ से कुछ कुछ इनकम कर लेता है अभी ये लॉकडाउन कोरोना में कौन इनकम करेगा नहीं करेगा सेम एज डांसर्स स्टेज में करता है कुछ इनकम कर लेता है एज एन फिटनेस इंस्ट्रक्टर हमने खोला तो हर कोई नहीं खोल सकता है हम थोड़ा इनकम कर रहा है अभी ये लॉकडाउन कोरोना में हम भी कहाँ से कमाएगा सब बात ऐसा है तो इसलिए हमको मतलब दिल ने बहुत पहले से चुभा हुआ था और आज हम आपका ये अरुणाचल टुडे योर वॉइस योर न्यूज़ में हम ये चीज़ को हम बोलना चाहेगा मतलब थैंक यू बोलना चाहेगा हमको मौका दिया सबसे पहले बात तो अगर हम लोगों का अरुणाचल में एक ऐसा इंडस्ट्री खोले जहाँ में सेक्शन वाइज फिटनेस का सेक्शन एक्रोबेटिक्स का सेक्शन जिमनास्टिक का सेक्शन स्पोर्ट्स का सेक्शन सिंगिंग का सेक्शन पेंटिंग का सेक्शन अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा इंडस्ट्री आर्टिस्ट लोग के लिए खोला जाए और वहाँ सब हर कोई इक्विपमेंट्स अगर हो तो आप सोच के देखिए यहाँ हम लोग मिट्टी बालू में फ्लिप व्ल मार के कभी माठा फता है कभी हड्डी टूटाता है पर सीख लेता है एंड स्टेट लेवल स्टेट लेवल तक जाके हम लोग खुद को मतलब रिप्रेजेंट करता है स्टेट को रिप्रेजेंट करता है बाहर इंटरनेशनल लेवल तक अगर हम लोग इक्विपमेंट्स हो आप खुद सोच के देखिए अगर हम सीखेगा तो कितना तक आगे जा सकता है अरुणाचल का नाम वो कितना रोशन कर सकता है अगर आप सेक्शन 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 बहुत सारा सेक्शन खोला है नाम तो कमाएगा लेकिन वो सेक्शन सेक्शन में हर हर किसी को इंस्ट्रक्टर का जरूरी होगा यानी कि जो डांसर पढ़ाई नहीं करता उसको एक, एक जॉब मिल जाएगा जॉब मिल जाएगा जिम्नास्टिक को जिमनास्टिक का टीचर मिल जाएगा उसको भी जॉब मिल जाएगा अपना अरुणाचल से ही रहेगा ना तो ऐसा है तो, तो हम वही मतलब गवर्नमेंट से वही रिक्वेस्ट है कि हम आर्टिस्ट लोग आप लोग समझने से अच्छा है हम बहुत ज़्यादा तकलीफ कर रहा है मेहनत करता है और अपना नाम को रोशन करने की कोशिश करता है ऐसा नहीं है हम लोग बहुत मौज मस्ती करता है मौज मस्ती तो हर कोई करता है थोड़ा मोड़ा मौज मस्ती हर किसी को जरूरत होता है लेकिन हम लोग कुछ करना चाहता है हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता है तो हम सोचते हैं कि आ, आप लोग जो हमारा गव, गवर्नमेंट है प्यारा गवर्नमेंट <laughs> हम लोग को हम लोग के भी सोच दे और हम लोग को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें आनंद हाँ हम भी यही आशा करते हैं कि हमारा हमने जो अपील किया उनको सुने और जल्द से जल्द जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट करें तो सबसे लास्ट में मैं आपको वही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी थैंक यू सो so मच हमसे जुड़ने के लिए हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अरुणाचल टुडे टीम से हम यही विश करते हैं कि आप जो सपना देखा है आपने जो स्टूडियो को जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले वो फुलफिल रहे थैंक यू सर थैंक यू सो मच Uh, तो ये थे हमारे साथ वेरी वर्सटाइल एंड टैलेंटेड यंग मैन आनंद चिंते तो uh, अरुणाचल टुडे टीम से हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे अगर आपका uh, आपका नज़र में कोई ऐसा टैलेंटेड है आपको लगता है कि उसको सपोर्ट मिलना चाहिए उसको पब्लिक रिकॉग्नाइज मिलना चाहिए तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें हम कोशिश करेंगे उनको हमारे शो पर लाने के लिए